हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के टाइम पे जबकि सब घर है तो कुछ ना कुछ मीठे की भी डिमांड करते हैं, तो आज हम इस डिमांड को पूरा करने के लिए घर पर ही बिना मावा के हम गुलाब जामुन बनाएंगे। इसका परफेक्ट मेजरमेंट होने पर ही ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आधा कप दूध लिया है, एक कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है और जितना हम दूध लेंगे उसका आधा हम घी लेंगे, यानी कि 1/4 कप मैंने यहाँ पर घी लिया है। 4 बड़े चम्मच मैंने मैदा लिया है और 3/4 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। फ्रेंड्स, इसमें हम बेकिंग सोडा यूज नहीं करेंगे, बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए मावा तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम ये दूध डाल देंगे जो कि हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है, और इसके बाद हम इसके अंदर इस घी को भी ऐड कर देंगे। हम दूध और घी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर जो हमने मिल्क पाउडर लिया है उसे धीरे धीरे करके डालते जाएंगे और हिलाते भी जाएंगे, और इससे हमारा जो मावा तैयार होगा बहुत ही बढ़िया तैयार होगा। और हमने इसे बिना रुके ही बनाना है, इसे हम बिल्कुल भी एक मिनट के लिए भी रोकेंगे नहीं हाथ को। अगर हमने इसे हिलाना बंद कर दिया तो ये बिल्कुल जल जाएगा बहुत ही जल्दी। तो हमने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दिया है और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, देखिए अब हमारा ये जो मावा है बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं हमें बस इसी स्टेज तक ही इसे पकाना था। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, अब जब तक हमारा मटेरियल ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 कप यहाँ पर चीनी ली है। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीनी किस लिए, क्योंकि अगर हम चीनी नहीं लेंगे ज्यादा तो हमारे गुलाब जामुन इसमें डूबेंगे नहीं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चीनी को घुलने देंगे। फ्रेंड्स, देखिए अब हमारी चाशनी में उबाल आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुकी है, आप देख रहे हैं। और इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है, कुछ गंदगी दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल साफ है। अगर ये साफ ना हो तो फ्रेंड्स हम इसमें 1 चम्मच दूध का डाल देंगे और जो ऊपर से डस्ट आएगी उसे हम निकाल सकते हैं। ये एक टिप है। और अब हम इसके अंदर एक आधा नींबू का रस भी डाल देंगे ताकि इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, जो चीनी के अंदर बन जाते हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट तक और पकाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं, इसे हम पीछे से हाथ लगा के देखेंगे तो ये बिल्कुल, देखिए बिल्कुल चिपचिपी सी तैयार लगनी चाहिए हाथ पे, जैसे बिल्कुल हल्की हल्की जैसे चिपचिपाहट सी होती है तेल जैसी, वैसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा मटेरियल भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 4 चम्मच जो है मैदा डाल देंगे और इसके साथ ही साथ हमने जो 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया था उसे भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से हम इसे जो है एक इसका डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के जो हमने मला ऐसे बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे बनाने में मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरह से बनाने में लगे हैं। अब मैं इसकी एक बिल्कुल नरम, बिल्कुल छोटी छोटी सी इसकी गोली इसके लूंगी और इसे अच्छी तरह से जो प्रेस करते हुए इसकी एक लोई तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा बिल्कुल गोल एक रसगुल्ला हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल है ये। इसी तरह से हम बाकी सारी लोइयां भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसे सारे मैंने जो रसगुल्ले जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। अब मैंने गैस के ऊपर एक पैन रखा है, उसमें मैंने घी को गर्म करना रखा है। फ्रेंड्स, इस घी को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना, इतना ही घी गर्म करना है
कि हम चाहें तो इसके अंदर अपनी फिंगर भी डाल सकते हैं, यानी कि बिल्कुल कम गर्म करना है हमने और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है और धीरे धीरे करके हम जो है इसके अंदर जो ये गुलाब जामुन जो हमने तैयार किए हैं उसे बीच में डाल देंगे और इसे धीरे धीरे पकने देंगे। देखिए जब हम ये हमारे ये गुलाब जामुन जैसे ही कलर इनका चेंज होने लगे हम इन्हें ऐसे चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये आप पूरी तरह से जो क्रिस्प हो जाएं अच्छी तरह से पक जाएं। हमने इनको नहीं टच करना बिल्कुल भी गुलाब जामुन को, हमें सिर्फ तेल को घुमाना है ये देखिए ताकि ये अपने आप ही घूम जाएं। ये देखिए आप घूम रहे हैं ये और इनका बहुत ही अच्छा कलर आ गया है फ्रेंड्स। अब हम इसे जो है एक करछी पे इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के तुरंत बाद हम इसे चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में डालते ही हम इसे इस तरह से डुबोएंगे। इसके अगर हम इसे इस तरह से नहीं डुबोएंगे तो फ्रेंड्स इनके अंदर चाशनी नहीं जाएगी और अगर एक बार चाशनी नहीं गई तो ये अच्छे नहीं तैयार बनेंगे, सॉफ्ट तैयार नहीं होंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे जो गुलाब जामुन है बनकर बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुके हैं आप देख सकते हैं और ये बिल्कुल ये अब ये डूब भी चुके हैं जो हमने सबसे पहले पहले डाले थे, इट मीन्स इन्होंने चाशनी पी ली है बिल्कुल, लेकिन अभी ये खाने के लिए रेडी नहीं है। इसे हम ढककर एक घंटे के लिए रखेंगे उसके बाद ही हम इसे खाएंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़े से जो है पिस्ता डालकर इसे हम डेकोरेट कर देंगे और ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अगर पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।